सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल द हेवनली राइडर्स। और मैं आपके साथ हिमांशु। आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं BS6 स्प्लेंडर में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में और उसके ऊपर कुछ रिव्यूज़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये स्प्लेंडर सबसे बेहतरीन गाड़ियों में से एक है अपने 100cc सेगमेंट में। और अब जब ये BS6 वेरिएंट में आई है तो कुछ चेंजेस के साथ आई है। और जैसा कि मेरे को इसकी ओनरशिप को लिए हुए 3 महीने हो चुके हैं, तो मैं एक बार इसका रिव्यू करना चाहता हूँ कि मेरे को क्या प्रॉब्लम्स BS6 स्प्लेंडर प्लस में आई हैं अभी तक के टाइम। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 3 महीने इस गाड़ी को ओवरऑल अभी तक यूज़ करे हुए हो चुके हैं और मेरी गाड़ी अभी तक 1710 किलोमीटर चल चुकी है। सो मुझे शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आई हैं स्प्लेंडर प्लस के अंदर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसके ब्रेक्स के इधर, जो इसका लेग ब्रेक है, जब शुरुआत के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा साउंडी था, प्रॉपर वर्क भी नहीं कर रहा था, ऐसा भी लगता था कि ब्रेक लग ही नहीं रही शायद। तो सेकेंड प्रॉब्लम मुझे जो आई थी स्प्लेंडर प्लस को लेके, गियर शिफ्टिंग में ये काफ़ी ज़्यादा नॉइजी हो रहा था। लोग कह रहे थे कि भाई तेरे को चलानी भी आती है नहीं आती, लेकिन मैं कह रहा था मेरी कोई गलती नहीं है। ओवरऑल गियर शिफ्टिंग के अंदर काफ़ी नॉइजी था, गियर जाम भी होते थे और ढंग से वर्क भी नहीं करते थे। तो थर्ड प्रॉब्लम मुझे स्प्लेंडर प्लस को लेकर आई कि जो इसका रेस का वायर है वो काफ़ी ज़्यादा ढीला था। ऑल दो आफ्टर फर्स्ट सर्विस मेरे जो ब्रेक के इश्यूज़ थे, मेरे जो गियर शिफ्टिंग के इश्यूज़ थे और जो मेरे रेस वायर के इश्यूज़ थे, वो ओवरऑल आफ्टर फर्स्ट सर्विस सारे के सारे रिसॉल्व हो गए थे। तो गाइस, सबसे मेजर प्रॉब्लम मुझे स्प्लेंडर प्लस में ये लगी कि जो ये बाइक है, चलते चलते रास्ते में, ट्रैफिक्स में, ओवरऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे गियरों में चलते चलते बंद हो रही थी। इस इशू को लेके मैं काफ़ी बार सर्विस सेंटर भी गया, लेकिन 3-4 बार होने के बाद भी मेरा इशू जो था मेजर वो रिसॉल्व नहीं हुआ। फिफ्थ टाइम जब मैं सर्विस सेंटर गया तो मैंने उनको कंप्लेंट लिखवाई कि भाई अभी तक मेरा इशू रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज़ किया अपनी गलती को लेके, और उसके बाद उन्होंने बाइक ली और उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आई है। ओवरऑल मैं गाड़ी के बारे में अच्छा ही रिव्यू दूंगा, क्योंकि ये BS6 स्प्लेंडर भी काफ़ी अच्छी बाइक है। ओवरऑल गाइस, अब मैं इस गाड़ी को 3 पार्ट्स के अंदर क्लैरिफिकेशन के साथ आपको एक रिव्यू दूंगा। मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो स्प्लेंडर बाइक को लेके कवर अप होगा। और हाँ, मैं इस बारे में कहना ज़रूर चाहूँगा कि बाइक वाकई में प्रॉब्लम्स के बाद भी काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छी बाइक है। तो सेकंड रिव्यू मेरा होगा वो मेरी बाइक को प्रॉब्लम्स को लेके होगा। हालांकि हाँ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मुझे ज़रूर आई है और मैं सजेस्ट यही करूँगा, अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज़ सर्विस सेंटर वालों को जाके प्लीज़ एक बार क्लैरिफिकेशन ज़रूर दो कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, कि सो डैट वो आपका इशू जो है रिसॉल्व कर सके। हालाँकि मैं इस बाइक को फिर भी अगर आप 10 out of 5 ज़रूर देना चाहूँगा इस पॉइंट को लेके। और जो मेरा थर्ड रिव्यू होने वाला है वो इसके सर्विस सेंटर को लेके होने वाला है। उसके लिए तो भाई साहब मैं 10 out of 3 भी शायद ज़्यादा ही बताऊँगा, क्योंकि तो मेरे को इतना परेशान करा है सर्विस सेंटर वालों ने, तो मैं अब क्या ही बताऊँ। सो गाइज, ये थी मेरे ओवरऑल रिव्यू, पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा 3 महीने का अभी तक स्प्लेंडर प्लस BS6 वेरिएंट के साथ जो रहा है। अब ये बताइए कि आपको मेरा स्प्लेंडर BS6 प्लस वेरिएंट जो है उसका रिव्यू कैसा लगा। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो शेयर करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।